अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है किसी भी एक और केमिकल प्लांट के ऊपर मटेरियल बैलेंस को करना है, जिसमें आपकी जो है वो रिसाइकल स्ट्रीम्स हैं। ये भी हमारे पास कोई प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री है, जिसमें हमने इथाइलिन प्लांट के ऊपर जो है मटेरियल बैलेंस लगाना है। तो ये ब्लॉक फ्लोर, ये उसकी प्लांट की डायग्राम है, जिसमें हम ये आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट रिएक्टर्स लगे हुए हैं। उन्हीं रिएक्टर्स में से डिफरेंट एग्जॉस्ट जो है वो गैसेस भी, फ्लू गैसेस भी सिस्टम से, इस रिएक्टिव सिस्टम प्लांट से बह जा रही हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ रिसाइकल स्ट्रीम्स आप यहां से देख सकते हैं। ये रिसाइकल स्ट्रीम आ रही है इस प्लांट, इस रिएक्टर के ऊपर। ये रिसाइकल हम रिएक्टर में से ये रिसाइकल लेके जा रहे हैं। इस तरह अगर मैं इस सेकेंड रिएक्टर की तरफ आऊँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये रिसाइकल स्ट्रीम्स लगी हुई हैं। ये प्लांट के दो सेक्शंस हैं, ये एक साइड पे दो प्लांट्स लगे हुए हैं, दो लाइन्स लगी हुई हैं। इस साइड पे भी प्लांट के ऊपर रिसाइकल स्ट्रीम आ गई है, और इस साइड पे भी प्लांट के ऊपर रिसाइकल स्ट्रीम आ गई है। अब हम इसको, इसकी जो है ना क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपने क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो आपने स्लोली रीड करना है, और उसमें से जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है, उनको आपने ब्लॉक फ्लो डायग्राम पे ड्रॉ करना शुरू कर देना है। इथाइलिन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, इस स्टेट, इस लाइन से पता चला है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, दैट इज आवर इथाइलिन ऑक्साइड। और जो है ना वो किस तरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, कैटेलिक ऑक्सीडेशन, यानी हमने कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवाई। कैटलिस्ट इन्वॉल्व करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है इथाइलिन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है। इस पहली लाइन से तीन बातें पता चल गई हैं, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, सेकंड स्टेट, सेकंड चीज ये पता चली है कि रिएक्टेंट इथाइलिन है, उसके साथ हमने सेकंड रिएक्टेंट किसको लेकर आना है, ऑक्सीजन को लेकर आना है, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इसके बाद अनडिजायर्ड कंपीटिंग रिएक्शंस, जब भी मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है ना अनडिजायर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अनडिजायर्ड रिएक्शन क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो टेम्परेचर प्रेशर की जो फिजिबिलिटी कंडीशंस है वो अचीव ना हुई हो रिएक्शन के लिए, तो जो है हमारा जो इथाइलिन है वो साइड रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। उसमें हमने कम्बशन ऑफ अनडिजायर्ड रिएक्शन में कम्बशन ऑफ इथाइलिन स्टार्ट हो जाती है, और कोई और प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट बनता है। यानी फर्स्ट टू लाइन से हमें ये पता चला है कि हमारे पास ये जो है ना वो एक रिएक्शन नहीं हो रहा, दो रिएक्शन हो रहा है, एक डिजायर्ड रिएक्शन है और सेकंड अनडिजायर्ड रिएक्शन है। और हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना वो इथाइलिन है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं डिजायर्ड रिएक्शन में, उससे इथाइलिन ऑक्साइड बन रहा है। सेकंड रिएक्शन में भी इथाइलिन की ऑक्सीडेशन ही हो रही है, लेकिन उससे हमारे पास अनडिजायर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट जो है ना वो कोई और बन रहा है अदर देन इथाइलिन ऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। द फीड टू द रिएक्टर, जो हम रिएक्टर को फीड दे रहे हैं, जो कि हमारे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक फ्रेश फीड होती है और एक हमारे पास कंबाइंड फीड होती है। ये हमारे पास कंबाइंड फीड है, जिसको हम रिएक्टर फीड भी कह देते हैं, जिस जो हमारे पास फ्रेश फीड नहीं है, नॉट द फ्रेश फीड टू द प्रोसेस। उसमें कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ इथाइलिन पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस जो स्टेटमेंट में हमें ये पता चला है कि ये हमें कंस्ट्रेंट लगा दी गई है, हमें बाउंड कर दिया गया, हमें हमारे पर लिमिटेशन कर दी गई है कि हमारे पास जब भी 3 मोल इथाइलिन के होंगे, उसके लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इसी तरह अगर मैं इसको 100 मोल्स की बेसिस बना लूँ, तो 100 मोल्स में 25 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के हो जाएंगे, और 75 मोल इथाइलिन के हो जाएंगे। इस तरह अगर मैं 200 मोल की बात करूँ, तो 200 मोल में जो है वो रेशो बना लेंगे, 3 + 1, 3 मोल इथाइलिन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है, तो इससे हमारे पास टोटल 4 मोल हो गए। 3 / 4, तो उससे मल्टीप्लाई बाय 3 / 4.75 आ जाएंगे, वो मोल हो जाएंगे इथाइलिन ऑक्साइड के। और मल्टीप्लाई बाय 200 कर दो या मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा इथाइलिन के कितने मोल्स हैं। इसी तरह 1 जो है ना वो मोल ऑक्सीजन के हैं, 1 / टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास, 4 मोल हैं, 1 / 4.25 मोल आ जाएंगे। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। अगर 100 मोल आप बेसिस ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 200 मोल बेसिस ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 200 ले लो। अगर 50 मोल बेसिस ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ले लो, 50 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो है जब भी आपने बेसिस लेनी है, बेसिस हमेशा जो है वो कंप्लीट फिगर्स को प्रेफर किया जाता है। यानी अगर 100 मोल ले लो, या 200 मोल ले लो, या 1000 मोल ले लो, तो 100 मोल यहाँ पे लेना फिजिबल है। जब हम मटेरियल बैलेंस की बेसिस की बात करते हैं कि हमें बेसिस किस तरह लेनी चाहिए, बेसिस का क्या क्राइटेरिया है। सिंगल पास कन्वर्जन ऑफ इथाइलिन टू इथाइलिन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज 15%। यानी इस लाइन से हमें ये पता चला है, इस स्टेटमेंट से ये पता चला है कि हमारे पास सिंगल पास जो कन्वर्जन है, दैट इज 50%, 15% सिंगल पास कन्वर्जन है, और 85% अनकन्वर्टेड हमारे पास वो इथाइलिन जो है ना वो जा रहा है।
अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. फॉर एवरी 100 मोल्स ऑफ इथाइलिन कंज्यूम, जो यानी जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उसके लिए 90 मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फीड. तो ये हमारे पास यील्ड होती है, इसको हम यील्ड का यील्ड कहते हैं. तो अगर हम आगे देखते हैं कि यील्ड की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे. अ मल्टी पास यूनिट पास इज टू बी सेपरेट, यानी पहले रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन सेक्शन हो गया, तो ये हमारे पास फिजिकल सेक्शन हो गया जिसको हम सेपरेशन सेक्शन भी कह देते हैं. तो इस सेपरेशन सेक्शन में जो है हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने सेपरेट आउट करना है. इथाइलिन एंड ऑक्सीजन आर रिसाइकल टू द रिएक्टर, ये रिसाइकल का भी कंसेप्ट आ गया. इथाइलिन ऑक्साइड इज सोल्ड एज प्रोडक्ट, यानी हमने सेपरेटर के बाद तीन दो स्ट्रीम्स निकल जाएंगी, एक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, दूसरी स्ट्रीम हम रिसाइकल कर लेंगे जो अनकन्वर्टेड, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल पास कन्वर्जन है दैट इज 50%, दैट इज वेरी लो. तो हमें मैक्सिमम 95-99% कन्वर्जन तक लेके जाना होता है अपने रिएक्टेंट को, क्योंकि तभी हमारे पास जो है प्रोसेस है वो फिजिबल रहता है. तो आप रिसाइकल करते रहते हो. अनकन्वर्टेड जो रिएक्टेंट है, एक लिमिटेड रिएक्टेंट है दैट इज इथाइलिन और एक एफएस रिएक्टेंट है दैट ऑक्सीजन, दोनों को हम रिसाइकल करेंगे सिस्टम में रिएक्टर में दोबारा लेके जाएंगे, उनकी कन्वर्जन करवा देंगे. अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कंडीशन है. अब एक अजम्पशन हमें ये बता दी गई है कि अज्यूम 100 मोल्स ऑफ पर आर ऑफ दी रिएक्टर फीड, यानी ये मोलर फ्लोरेट रिएक्ट फीड का बता दिया गया है. स्टीम एज बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमने ड्रॉ करना है और लेबल करना है फ्लो चार्ट को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम परफॉर्म फ्रीडम एनालिसिस करना है और इक्वेशंस लिखनी है कि आपने जो है मटेरियल की इक्वेशंस आपके पास क्या बनेंगी. तो यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें से क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन लेनी है, और ये हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या क्या बता रही है. कि ये हमें तो ये बता रही है कि रिएक्टिव सिस्टम है, दूसरा जो है मोल ऑक्सीजन टू इथाइलिन जो है ना रिएक्टेंट की मोल रेशियो हमने फिक्स रखनी है, यील्ड का कंसेप्ट है, और सेपरेशन हो रही है, यानी पहले रिएक्शन सेक्शन है उसके बाद फिर फिजिकल सेपरेशन सेक्शन है. जो भी प्रोडक्ट बने उनको हम डिजायर प्रोडक्ट को सेपरेट कर देंगे, अनडिजायर्ड जो है या अनकन्वर्टेड जो रिएक्टेंट है उनको रिसाइकल करके दोबारा से रिएक्ट करवा लेंगे सिस्टम के अंदर. अब मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ जाता हूँ कि हमने फाइंड आउट क्या करना है. वी हैव टू डिटरमाइन द मोलर फ्लोरेट्स ऑफ इथाइलिन एंड ऑक्सीजन ये फ्रेश फीड में कितने मोल्स आ रहे हैं, क्योंकि रिएक्टर फीड में तो हमें पता चल गया कि अगर हम 100 मोल्स बेसिस लें तो 25 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और 75 मोल्स इथाइलिन के हैं. द प्रोडक्ट रेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड कितने प्रोड्यूस हुआ है, ओवरऑल कन्वर्जन आपकी सिस्टम की कितनी है. सिंगल पास कन्वर्जन 15% है, तो ओवरऑल पास कन्वर्जन कितनी हो जाएगी अगर रिएक्टर एक से ज्यादा लगे हुए. तो हमने डायग्राम में भी देखा था वहाँ पे रिएक्टर जो है ना वो एक से ज्यादा लगे हुए थे रिएक्टर्स. कैलकुलेट द मोलर फ्लो रेट ऑफ इथाइलिन एंड ऑक्सीजन इन द फ्रेश फीड नीडेड टू प्रोड्यूस 1 टन आवर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेक्शन है जिसको हमने सॉल्व आउट करना है. अब ये तो था क्वेश्चन स्टेटमेंट और हमें ऑब्जेक्टिव्स हमने फाइंड आउट क्या करना है. अब इसके बाद है आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है. सबसे पहले आपने स्टेप वन में क्या करना है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेनी है मटेरियल बैलेंस के लिए. हमने क्या किया कि 100 मोल्स फीड फेड टू द रिएक्टर, ये हमें सिस्टम में रिएक्टर में 100 मोल्स हमें पता चल गया. अब हमें जो क्वेश्चन में एक कंस्टेंट लगा दी गई कि फॉर जब एक मोल आपके पास ऑक्सीजन को तो 3 मोल्स इथाइलिन का प्रोड्यूस होगा. इस 100 मोल्स में आप यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल मोल्स हो गए 4, एक मोल ऑक्सीजन का और 3 मोल्स इथाइलिन के, टोटल 4 मोल्स हैं. 1 डिवाइडेड बाई 4 तो आपके पास 0.25 है, मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपके पास पॉइंट पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 25 मोल्स हैं. इस तरह जब इथाइलिन के मोल्स निकालने फीड में तो 3 डिवाइडेड बाई 4 ये 0.75 होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75 मोल्स इथाइलिन के आ जाएंगे. स्टेप वन है. स्टेप टू में आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दोनों में कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है इथाइलिन का, इथाइलिन जो है ना वो कंबस्ट हो रही है, ऑक्सीडाइज फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुई उसकी तो इथाइलिन ऑक्साइड बना. अब सेकंड रिएक्शन में जब कंबस्शन हुई है तो जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन होती है तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमेशा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में अगर आप गौर से पढ़ें तो फर्स्ट रिएक्शन इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो. सेकंड सेक्शन इज अनडिजायर्ड रिएक्शन इज कंबस्शन हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर की फिजिबिलिटी इतनी हो जाती है इथाइलिन के लिए कि वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबस्शन प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है जिसको हम वाटर कह देते हैं, और कंप्लीट कंबस्शन में और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है. स्टेप थ्री की तरफ आते हैं कि हमने ब्लॉक फ्लो लेबल जो है ड्रा डायग्राम किस तरह ड्रा करनी है. ये तो हमारे पास सेक्शन हो गया, ये फ्रेश फीड है, हमें मोल्स नहीं पता. आपने सिंपली इथाइलिन और ऑक्सीजन को मोल्स बता देने, वो हमें अननोन है मोल्स. इस तरह रिएक्टर फीड में हमें पता है मोल्स, जब 100 मोल्स बेसिस लें तो 75 मोल्स इथाइलिन के हैं.
उसमें 25 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। अब रिएक्टर के बाद रिएक्शन जो हुआ, जो प्रोडक्ट बना, एक तो इथाइलिन ऑक्साइड बन गया ये हमारे पास, इसको हमने N3 मोल्स का नाम दे दिया। अब सम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स की नंबरिंग किस तरह करें। बेटा आप नंबरिंग इस तरह करो, आपके पास जो एक रिएक्टेंट है उसको नंबर वन का नाम दे दो, और सेकेंड रिएक्टेंट को नंबर मोल्स टू का नाम दे दो, और जो प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट बने उसको मोल्स थ्री का नाम दे दो, और जो सेकेंड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बने उसको मोल फोर और मोल फाइव का नाम दे दो। अब इसमें हमारे पास जो इथाइलिन ऑक्साइड है दैट N3 दैट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, बट इज N4 एंड N5 दैट कंबस्टन प्रोडक्ट दैट आर बोथ आर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हमने इस रिएक्शन प्रोडक्ट को, जब हमने रिएक्शन हो गया हमारा, तो इसे हमने सेपरेटर सेक्शन में लेके जाना। ये केमिकल सेक्शन था, रिएक्टिव सेक्शन था, जिसमें आपने प्रोडक्ट बनाया उसको सेपरेटर सेक्शन में लेके जाओगे। अब हमने सेपरेट आउट करना है, तो इसमें जो N3 है दैट इज जो डिजायर्ड मोल्स हैं आपके, वो हमारे पास N3 मोल्स हैं, तो इसको हमने जो है इथाइलिन ऑक्साइड इसको हमने निकाला सेपरेटर से और इसको सेल आउट कर दिया, जबकि जो अनडिजायर्ड जो आ रहे थे, जो अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट आ रहे थे, उनको हमने दोबारा से रिसाइकल किया। वो दो है हमारे पास, एक इथाइलिन है और एक ऑक्सीजन है, जबकि जो हमारे पास सेपरेटर के बाद जो कम्बस्टन प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2O, N4 और N5, उनको हमने सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनका कोई फर्दर इनकी ना ही कोई कन्वर्जन हो रही है, ना ही जो है वो कोई इनकी और ट्रीटमेंट है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस, एक पहला जब भी क्वेश्चन है इस तरह का, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, ताकि आपने बैलेंस लगाना किस पॉइंट पे है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं। तो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स N1, N2, N3 और N5 है, फाइव अननोन वेरिएबल्स है, और हमें इंडिपेंडेंट इक्वेशन किस तरह लगानी है, कि नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन कन्वर्जन की इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है, यील्ड की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और कुछ बैलेंस इक्वेशंस भी लगा लेंगे बेस्ड ऑन दी रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। तो इन इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ जिस पॉइंट पे, जिस सेक्शन पे, रिएक्टर पे, ओवरऑल रिएक्टर पे, इनपुट पे, मिक्सिंग पॉइंट पे, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से जीरो हो जाए, सिस्टम आपका स्पेसिफाइड हो जाए, तो वो उसको कैलकुलेशन करना आसान होती है। अभी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन, यस, सिंगल पास कन्वर्जन है, इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ यील्ड, यस, यील्ड हमें बताई गई कि फॉर 100 90 मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड प्रोड्यूस, फॉर 100 मोल्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन 100 मोल्स के लिए 90 मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस के, कि हमारे पास फाइव अननोन्स हैं, तीन एटॉमिक बैलेंस लगा सकते हैं, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एटॉमिक बैलेंस हम लगा सकते हैं, तो 5 - 3 के 1, एक यील्ड की इन्फॉर्मेशन है, एक कन्वर्जन की, तो आपके पास फाइव अननोन्स हैं और फाइव ही आपके पास इक्वेशंस बन सकते हैं, जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, तो दैट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बैलेंस मटेरियल बैलेंस लगाना आसान है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी वैसे क्या होती है बैलेंस लगाने के लिए, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू अप्लाई दी जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नॉन वेरिएबल्स हो, तो मैक्सिमम नॉन वेरिएबल्स रिएक्टर के ऊपर हमें पता है कि वहाँ पे हमें सीजन के भी मोल्स पता है 25 मोल्स है, और इथैलिन के भी मोल्स पता है दैट आर 75 मोल्स। तो अब स्ट्रेटजी क्या है आपके पास सॉल्युबिलिटी बैलेंस और रिएक्टर, N1 से N5 आपने ये आपके जो है फाइव बैलेंसेज लगा सकते हैं, मटेरियल बैलेंस अराउंड मिक्सिंग पॉइंट टू फाइंड ऑक्सीजन और इथैलिन, ये आपने मिक्सिंग पॉइंट पे लगाना है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टर में 75 मोल्स इथाइलिन के आए थे, उनकी 80% कन्वर्जन हुई, तो यहाँ से हमें N1 मोल्स पता चल जाएंगे। अब सेकंड यील्ड हमने निकाले, यील्ड के लिए हमें पता है कि जो है 75 मोल्स में से अनकन्वर्टेड मोल्स 2 जा रहे हैं, हमें पता है 100 मोल्स जब इथाइलिन के हों तो उसके लिए 90 मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कितने जो है ना अनकन्वर्टेड कितने मोल्स थे वो दैट 20% है जो 75 मोल्स का, तो ये हमारे पास N3 आ जाएगा। जबकि कार्बन बैलेंस रिएक्टर के का क्रॉस लगाओगे कार्बन के, क्योंकि हमें पता चल गया 75 मोल्स है रिएक्टेंट के, 5 के अब 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन के हैं, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 150 हो गया। अब जो रिएक्टर के आउटलेट पे N1 है उसमें कार्बन के दो एटम्स हैं, नेटो जो जो हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड बना उसमें भी दो एटम्स हैं, और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बना उसमें एक मोल है। इस तरह आपने एच बैलेंस रिएक्टर का क्रॉस लगाना है, क्योंकि हमारे पास 3 मोल्स थे, तो 75 का जब 3 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एटम्स हैं, तो हमारे पास 4 मोल्स आपके पास जो है वो N1 के हाइड्रोजन में, N1 के अंदर 4 मोल्स हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के N3 में जो है दैट इज आवर इथाइलिन ऑक्साइड, इसमें 4 एटम्स हैं, और N5 में जो है ना वो वाटर में 2 एटम्स आ रहे हैं। इस तरह आपने ऑक्सीजन बैलेंस रिएक्टर के क्रॉस लगाना है, 50 मोल्स आपके पास इनपुट में है, तो N2 में आपके पास 2 मोल्स ऑक्सीजन के, N3 में 1 मोल्स है, N4 में 2 मोल्स है, और N5 में भी एक एटम है।
इस तरह ऑक्सीजन आप मिक्सिंग पॉइंट पे जब लगाओगे तो मेरे बेटे यहाँ पे 25 मोज आपके पास इनपुट पे, हमें फ्रेश फीड में हमें नहीं पता, रिएक्टर फीड में हमें 25 मोज पता है और रिएक्टर आउट में हमें 2 मोज हैं, तो यहाँ इस तरह बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। और जो C2H4 मिक्सिंग पॉइंट पे लगाओगे, ये फ्रेश फीड में हमें नहीं पता उसके मोल्स कितने हैं, 75 मोल्स हमें पता है कि रिएक्टर फीड में है और N1 जो है ना वो एग्जिट पे उसके मोल्स हैं, जबकि ओवरऑल कन्वर्जन आप C2H4 100% ओवरऑल कन्वर्जन जो है वो, अब इसका हमें नहीं नॉलेज, इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का सेक्शन यहाँ तक था, आपने सिर्फ ये इक्वेशंस बनानी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह हमने इनको सॉल्व किया। थैंक यू।